और जौनपुर के बीएसपी सांसद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिले के बक्सा थाने के एक तत्कालीन थाना अध्यक्ष को फोन पर धमका रहे हैं। सांसद यहां पे ठाकुरों की सरकार है इस बात का जिक्र कर रहे हैं और दिमाग खराब है, ठीक कर देंगे जैसे अपशब्दों का उपयोग इसमें किया गया है। और सांसद दो लोगों के विवाद में एक पक्ष की पैरवी कर रहे हैं जबकि थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को 151 की कार्रवाई हो जाने की बात वो कह रहे हैं और इसी से बौखलाए सांसद थानाध्यक्ष से अपशब्दों में बात कर रहे हैं। ऑडियो पुरानी बताई जा रही है जो अब जमकर वायरल हो रही है। हेलो, हाँ यशो बक्सा बोल रहा हूँ। जी जी, बात करी मानी सांसद। हाँ भाई, सर बताए। ये देखिए, कोई प्रकरण है सरसों काटने का और ये सब, वो सब तो लंबा प्रकरण है, मैं जानता हूँ महीनों से। लेकिन किसी को थाने में बुला करके आप उसका मोबाइल छीनेंगे, सम्मानित आदमी का चश्मा तोड़ेंगे, मिसबिहेव करेंगे, तो ठीक नहीं है भाई। ऐसा ना, इल्जाम लगाना अलग बात होती है। नहीं, देखिए इल्जाम लगाना, देखिए इल्जाम लगाना अलग बात होती है। दोनों पक्षों का 151 हुआ, एक पक्ष नहीं हुआ, दोनों पक्षों का 151 हुआ। जब 151 होता है ना, देखो ऐसा है, एकदम इतना छुट्टा ना हो जाओ भाई। एस एच ओ साहब, हम समझ रहे हैं। कौन छुट्टा हो गया सर? कौन छुट्टा हो गया? किसी को बुला करके इस तरह से करेंगे, कोई आपसे जाके कह देगा तो आप मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई, तो आप मानिएगा वहाँ। उसमें मैंने 151 किया दोनों पक्षों के आपस में, वहाँ झगड़ा करने का अंदेशा था। मतलब बदतमीजी करते हो लोगों के साथ, गुंडाई करोगे? नहीं, आपने देखा है बदतमीजी करते हुए हमें, कोई शिकायत करेगा तो आप मान जाएंगे? मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ, सब दिन एक नहीं रहता, मैं तुमको बताऊंगा किसी के साथ ऐसे। ऐसा है ना, आप लिख दीजिए, आपको जो लिखना हो ना लिख दीजिए। बदतमीज करेंगे आप? सुनिए, बदतमीजी मत कीजिए आप, अपने अपने पद पे है, पद की गरिमा बनाए रखिए। तुम सुनो, ये अगर ऐसा करोगे, नहीं सुनो नहीं, आप अपने पद पे है, सांसद है यहाँ के, आप अपने पद पे रहिए। ऐसा जिस ढंग से कर रहे हो ना, ये ना समझो कि मतलब वो ठाकुरों की सरकार है तो तुम ठाकुरों सरकार क्या है? ठाकुरों कौन सा, कोई गवर्नमेंट किसी जात की होती है क्या? मैं सब समझ रहा हूँ। नहीं, क्या समझ है, कोई जात की कोई गवर्नमेंट होती है? ये सुनिए, ये आपकी सोच है, ये गंदी सोच मत रखिए सांसद जी। पड़ेगा इसको एक दिन भुगतना पड़ेगा जो तुम। ऐसा है ना सांसद जी, भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन ये ऐसी गंदी सोच मत रखिए, राजनेता है आप। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें श्याम सिंह यादव जो हैं सांसद है बीएसपी के, उनकी एक थानाध्यक्ष के साथ बात हो रही है और बातचीत को हमने सुना जिसमें किसी विवाद को लेकर वो यहां पे बात कर रहे थे, क्या इसकी सच्चाई बताई जा रही है? आपको बता दी, जब हमने ऑडियो वायरल को लेकर बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव से बात किया तो उसने ये काफी पुराना मामला है जिसमें एक पक्ष में थानाध्यक्ष बक्ता से बातचीत किए, जिसमें थानाध्यक्ष बक्ता ने दोनों पक्ष पे 151 की कार्रवाई किया है, लेकिन सांसद श्याम सिंह यादव ने लगातार एक पक्ष की पैरवी पर दबाव बनाया, लेकिन जब उन्होंने अपना आपा खो दिया श्याम सिंह यादव ने, तो बक्सा के थानाध्यक्ष ने उनको याद दिलाया कि आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, थोड़ी सी अपने पद की गरिमा को मेंटेन रखिए। आप तब आपा खो दिए श्याम सिंह यादव, उन्होंने तमाम लहजे में उसे अपशब्दों की बात की। उसको देखते हुए थानाध्यक्ष ने भी काफी खरी खोटी सुनाई कि जो लिखना हो, जहाँ लिखना हो, जहाँ शिकायत करना हो कर दीजिए, हमने तो एक पक्षी कार्रवाई नहीं की, हमने दोनों पक्षी की बात सुनकर दोनों को 151 में चालान किया है। उसको लेकर जब न्यूज वन इंडिया ने पूरी सच्चाई को जानने के लिए श्याम सिंह यादव से बात किया तो उन्होंने उल्टा ही यहाँ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी पर ही आरोप लगा दिया कि इनके कब्जे इनके शासन में नहीं है। यहाँ के थानाध्यक्ष लगातार अजय साहनी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे श्याम सिंह यादव। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जाके केंद्र सरकार पर लिखा पढ़ी करूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए। तो जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव, जिनका ये ऑडियो बताया जा रहा है, और तत्कालीन थाना अध्यक्ष से वो बात करते हुए दिखाई दिए। और श्याम सिंह यादव ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए प्रदेश से लेकर जिले की कानून व्यवस्था, सरकार और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर निशाना साधा और कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे ने, क्या कुछ उन्होंने कहा उन्हें सुनते हैं। देखिए, हमारे जनपद में कानून व्यवस्था, क्राइम की स्थिति लगातार
गिरती जा रही है और एक से एक अपराध होते हैं, यहाँ तक कि जघन्य अपराध होते हैं, चोरी डकैती तो छोड़ दीजिए, मर्डर भी होते हैं, उसका भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए महीनों महीनों इनका चक्कर लगाना पड़ता है। और तो और इस समय जनपद के थानों में पुलिस का बहुत आतंक है, ये तो शायद मुझे लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी वो आतंक थाने में नहीं रहा होगा जो आज है। लोग थाने में जाने से कतराते हैं, अगर किसी तरह से कोई हिम्मत करके एफआईआर लेके चला गया तो उसे बेवजह गाली देके भगा दिया जाता है, महीनों चक्कर लगाना पड़ता है और कहीं कहीं तो उसको साथ मार पिटाई और गाली गलौज की जाती है। जो तमाम थानेदार हैं, सभी तो गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ थानेदार तो ज़रूरत से ज़्यादा उद्दंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए नियम कानून कोई माने नहीं रखता। थाने में गए आदमी को पिटाई करना, गाली देना, ये उनकी आम आदत है। और यहाँ तक कि एक थानेदार तो ऐसा है, बक्सा का थानेदार त्रिवेणी सिंह, जो कि अभी दो दिन पहले एक बहुत ही मानिंद सम्मानित आदमी जो गया था एफआईआर करने, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको हवालात में बंद कर दिया, उसको पटक के मारा भी। और तो और बड़ी शर्मिंदगी की बात है, आप सुन करके इसको दांतों तले उंगली बताएंगे कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अपने उच्च अधिकारी सीओ के खिलाफ, सामने सीओ के खिलाफ नहीं, सीओ के सामने भी उस आदमी की पिटाई करते हुए, गाली देते हुए उसको कह रहा है कि ये सर अभी तो इसने दिव्य प्रकाश, यही आदमी है जो दिव्य प्रकाश के खिलाफ शिकायत दी है, और अभी तो क्या, अभी तो इसकी इतनी ही पिटाई की है, रात को इसका अच्छा हुलिया बना के छोड़ूंगा जिसे वो जिंदगी भर याद रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना दहशतगर्दी का माहौल है, आतंक का माहौल है। देखिए,